पौड़ी जिले में स्थित तहसील राम भरोसे चल रही है। यहाँ ना तो उपजिलाधिकारी मौजूद रहते हैं और ना ही तहसीलदार। इस मामले को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट सुनील लिंगवाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से कुछ कागजात बनाने के लिए तहसील का रुख कर रहे हैं, लेकिन बार बार आने के बावजूद भी उनके कागजात अब तक नहीं बन पाए हैं। लिंगवाल ने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि को ही लगातार तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो आमजन का क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं को लेकर लाख दावे कर रहा हो, लेकिन ये दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन ने जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया तो जन आंदोलन करने के विवश होंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। रोज आ रही हूँ, फिर भी कागज वगैरह नहीं बन रहे हैं। यहाँ पे चक्कर मार रही हूँ, 15 दिन हो गए अभी तक आए नहीं कागज। क्या डॉक्यूमेंट बनने थे आपके? आय प्रमाण पत्र और मूल निवास था और जाति। 15 दिन बोला था अभी बने नहीं है, 15 दिन के बाद भी आ गए फिर भी नहीं बने। माध्यम से और अपने मैं आज माननीय विधायक जी को भी फोन करूंगा, फोन के माध्यम से उनसे बात करूंगा कि भाई आप लोग कह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? सरकार बोल रही है हमने पूरी फैसिलिटी दे रखी है, तो आज क्या आज यहाँ देखेंगे कि पूरे कर्मचारियों की स्थिति हो रही। कर्मचारियों पर जाके क्या करना, किसी का जाति प्रमाण पत्र, किसी का मूल निवास है, किसी का कार्ड बनना है, किसी का आय प्रमाण पत्र बनना है, सब ऐसे पड़े। कई दिन से मैं देख रहा हूँ कई लोगों के